नमस्कार, मैं हूँ रिया बिपलीवाल। स्वागत है आपका MP7 न्यूज चैनल में। देखिए आज की ताजा खबरें। मंदसौर पिपलिया मंडी के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं ने शनिवार को TI शिव कुमार यादव पर अभद्र व्यवहार और गाली गलौज करने का आरोप लगाते हुए SP कार्यालय के बाहर थोड़ी देर तक धरना दिया। बाद में SP के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें कार्यवाही नहीं करने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी गई। भोपाल प्रत्येक घर में नल से स्वच्छ जल पहुंचाने के अभियान में मध्य प्रदेश पिछड़ता नजर आ रहा है। इस काम में एक महीने पहले देश में मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर था और अब चौथी पायदान पर है। यह बात शनिवार को केंद्रीय लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी PHE मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की समीक्षा में सामने आई है। वर्चुअल समीक्षा में प्रदेश के PHE राज्य मंत्री ब्रिजेंद्र सिंह यादव अशोकनगर कलेक्ट्रेट से शामिल हुए। उन्होंने बताया, प्रदेश में अब तक मिशन का 27% काम हुआ है। राज्य मंत्री ने इसके लिए कमलनाथ सरकार को जिम्मेदार ठहराया है और कहा, कांग्रेस सरकार में काम देर से शुरू हुए, इससे पिछड़ गए हैं। साथ ही भरोसा दिलाया कि 2023 तक काम पूरा कर लेंगे। छोटी बड़ी ताजा खबरों की जानकारी के लिए लॉगिन करें www.mp7news.in पर। आयुष अर्थ मूव हमारी सेवाएं पाइपलाइन खुदाई, तालाब गहरीकरण इत्यादि कार्यों के लिए संपर्क करें। हमारे यहाँ सभी कार्य संतुष्टि प्रद किए जाते हैं। एक बार सेवा का अवसर जरूर प्रदान करें। आयुष अर्थ मूव प्रोपराइटर दिनेश कर्मावत, मोबाइल नंबर 8839135367353 8220। पता तलाव कुकड़ेश्वर, जिला नीमच, मध्य प्रदेश। आयुष अर्थमूव।